कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में हर रोज मीटिंग हो रही है। अधिकारी मुख्यमंत्री को हर स्थिति की रिपोर्ट दे रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में शायद सब कुछ मुस्तैद दिखाया गया है, लेकिन वाकई हालात इतने सामान्य हैं क्या यूपी में, या सिस्टम की लापरवाही को दीमकों ने ढक रखा है? एनबीटी ऑनलाइन के इस पड़ताल में कई बातें आएंगी, एक एक कर समझते जाइए। अब पहले खबरों के शीर्षक देखिए। इन शीर्षकों को देख यह बात तो समझ गए होंगे कि सब दौड़ रहे हैं। अपनों को बचाने के लिए कोई 10 घंटे दौड़ा है तो कोई 13 घंटे दौड़ता रहा। डगमगाती सांस हर सेकंड उखड़ती गई। एम्बुलेंस अंधे रास्ते पर अस्पताल तलाशती रही। हर जगह से जवाब मिला, वहां ले जाओ, लेकिन कहां यह नहीं पता। सिस्टम की इस दौड़ को फटे पैरों की बिवाई नहीं दिखती, उनकी हर ना के साथ आपकी रुआई नहीं दिखती। खैर, आखिर में व्यवस्थाओं के जिंदाबाद वाले ऊंचे नारों के तले मौत हो जाती है। पर कहां किसी को फर्क पड़ता है, सिस्टम की आंख और कान नहीं होते, बस नाक होती है जो हैसियत सूंघती है। मामला है गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र का। जरा बेटे से सुन लीजिए कि सिस्टम ने उसकी माँ को कितनी बेरहमी से मार डाला है। मेरी माता जी का नाम ममता देवी, मैं खोड़ा का निवासी हूँ। मैं अपनी मम्मी का इलाज करवा कर कोई एडमिट नहीं कर रहा, उसको लाल बहादुर दिखाया, मेहरौली दिखाया। मेहरौली के बाद सफदरजल ले गए, नहीं लिया। एम्स ले गए, नहीं लिया। ट्रमा सेंटर ले गए, नहीं लिया। MMGV ले गए, नहीं लिया। उसको कहीं नहीं लिया। उसके बाद उसको बाहर रेफर कर दिया। GTV में भी देखा, 5 मिनट अंदर किया, बाहर कर दिया। कोई देखने वाला नहीं है। एम्बुलेंस को फ़ोन करूं, एम्बुलेंस नहीं आती है। क्या कर रहे हैं? मेट्रो प्राइवेट में भी ले गए, मेट्रो में भी ले गए, कैलाश में भी ले गए, मेट्रो दोनों मेट्रो में लेके गए, किसी में नहीं हुआ। नोएडा सेक्टर 11 वाला मेट्रो, हाँ, दोनों में लेके गए। उधर तो उन्होंने हाथ भी लगाया, देखा ही नहीं। GTV में गए, मेरे ताऊ को गाली दे रहे हैं, जाओ बाहर जाओ, नहीं देख रहे हैं। वहाँ भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनके बोलते हैं रिपोर्ट लेके आओ, नेगेटिव है तो, अगर है तो वो जहाँ पे है वहाँ पे भी नहीं रख रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पे कोरोना है, यहाँ पे भी नहीं रखेंगे, तो आदमी जाएगा कहाँ भाई। लास्ट में यहाँ MMG ले गए थे, MMG से वहाँ मेरठ गए, मेरठ से मम्मी। बिल्कुल, इसे मौत नहीं कहा जाएगा, यह हत्या है। बेटे का सवाल सुना आपने, कहां ले जाएंगे, कोई भी तो भर्ती नहीं कर रहा है। सब कहते हैं कोरोना रिपोर्ट लेकर आओ, कहां से लेकर आए रिपोर्ट? गिना दीजिए हर अस्पताल का नाम जहां हालातों का तमाशा बनवाना है, टेस्ट कराना है, रिपोर्ट के लिए धक्के खाना है। सिस्टम तो मानकर चल रहा है कि मौत हो जाएगी, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मौत के बाद भी लाशों का इलाज करना जानते हैं। सिस्टम की हर लापरवाही सरकार के लिए नासूर होती है। पिछले दिनों इलाज ना मिलने से गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई थी। इस मामले में जमकर फजीहत हुई। अब नोएडा के DM ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, और इस मामले में क्या हुआ है यहां देख लीजिए। जिला अस्पताल की CMS का ट्रांसफर करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। आरोपी प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। CMO को निर्देश दिए गए हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाए। DM की ओर से सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है कि इलाज के लिए अस्पताल आने वाले किसी भी मरीज को लौटाया नहीं जा सकेगा। मरीज का इलाज ना होने की स्थिति में रेफर किए जाने वाले अस्पताल में संपर्क किया जाएगा, जिसके बाद भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के बावजूद जरूरत है पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मोहर बंद आदेश की, ताकि हर जगह उसकी तामील हो सके, जिससे फिर कोई गर्भवती महिला बेमौत ना मर जाए, किसी माँ को लेकर अस्पतालों की चौखट ना नापनी पड़े। खैर, सिस्टम को जिंदा रखना जरूरी है, इन दीमकों की सफाई जरूरी है, जरूरी है व्यवस्थाओं का मुस्तैद रहना।